तो गाइस इस समय मोसी बना रही है भुजिया, भजिया बना रही है, कांदे का भुजिया। उसको देखो, अरे अरे गिर जाएगा। पचास पचास रुपए सबको। मीठे रस से बड़ी ओड़ी लाना रानी लागी। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो सुबह के हमारे बज रहे हैं 9:20 हो रहे हैं और भगवान के इतने जल्दी पूजा पाठ सब हो गए क्योंकि सुबह सुबह ही पानी आ गया था। तो पानी भरने के चलते सब लोग नहा धो लिए, पूजा पाठ हो गया, खाना नहीं बना है, अब खाना बनना स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने चाय रखा हुआ है। मैं बात करूँ, कल जो मेडिसिन लेने गई थी तो वो मैं फेस की लेने गई थी क्योंकि मेरे फेस पे एक पिंपल आ गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो इसके लिए दवा लेने गई थी तो डॉक्टर ने बोला है कुछ फेस पे नहीं लगाना है, एक फेस वॉश दिया है और एक क्रीम दी है कि रात को लगाना है और सुबह मूड से बस्ट होना है। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लिप बॉम लगा ली हूँ। तो अब फिलहाल काम स्टार्ट करते हैं। दाल रोटी बन गया गाइस और बनवाना है बस चावल, चावल जो कि पक रहा है। और इधर मैं दे रही हूँ सब्जी का तड़का जो कि इसकी सब्जी बन रही है नेनुए की। अभी अभी जस्ट उन्नी भी बाहर आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है ले लूँ? टुन्नी अभी आए, त्रिशा आई, महाशय जी भी अभी आए जस्ट। यार मैं इस एक ना बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरी ना शादी नहीं हुई। मुझे कमेंट में आया था कि आपकी शादी हुई है क्या, तो मेरी ना शादी नहीं हुई है। मैं चंदन इसलिए लगाती हूँ ना क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह सुबह नहाने के बाद महादेव की पूजा करती हूँ तो उनका जो पैर का चंदन रहता है मैं वो अपने मास्क पे लगा लेती हूँ। इसके लिए मेरा ये चंदन मिटता नहीं, शाम तक लगा ही रहता है। तो मेरी शादी नहीं हुई और ये बच्चे मेरे ये समझ लो मेरी दीदी के लड़की लड़के हैं। A few moments later, मामा को प्रसाद दो। यो और प्रसाद दे दो। ले धनादन। इनको भी दो। नहीं मुझे प्रसाद मत दो, मामा को प्रसाद दो। नहीं मारेगा वो अपनी बहन को, उसके बाजू में जाके बैठ के देखेगा। देखना क्या देख रहे हो, देखो टॉर्च देख के आया है मोबाइल का। अरे झुन्नी 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 अभी नहाया नहीं है लड़का, जो घुस के मोबाइल देख रहे हैं। दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं। ईशा सुबह सुबह मार खाने वाली है क्योंकि मेरे हाथ लो। एक बार और देखो, इसकी बहन ये जो कर रही है उसका भाई वही कर रहा है। अब सिखाने वाला है लड़का। अरे यार त्रिशा मस्ती नहीं करो। अरे अभी अगर मस्ती करी तो मैं मारूंगी आपको। ये दोनों का पता नहीं क्या कनेक्शन हो गया कि जब वो चिल्ला रही है तो बाबू भी चिल्ला रहा है साथ साथ। अगर सारा काम हो गया है, 10:30 बज रहे अभी। जस्टन बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है इसके लिए आवाज़। इन लोगों को क्या हो गया सुबह सुबह? त्रिशा मेरे हाथ से मार खाओगी, सच बता रही हूँ, आपको एक भी रुपए नहीं मिलेगा फिर। वो चिल्ला रही है, इसको मारो, मारो त्रिशा को, मामा को मारो। हाँ सिखा रहे हैं ना ये, लो सिखा रहे हो गंदी आदत, लो त्रिशा अब मजा आ रहा है। और झुन्नी बैठे हैं देखो मेरे गोद में क्योंकि इसको भोजपुरी गाने चाहिए। क्या चाहिए लगाऊं? देखो त्रिशा क्या कर रही हो, मस्ती नहीं करो। गाइस अब मैं चल रही हूँ ना त्रिशा और बाबू को छोड़ने के लिए उनके घर पे। हम लोग रिक्शे से जाने वाले हैं। आगे हो, आगे जो जाओ, मामा भी आ रहे हैं। मामा भी जाओगी? फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ आ जा, जिद करके पीछे जाके बैठ गई ये लड़की। नहीं नहीं अभी उदली लेना, चलो अभी नहीं आना है, बैठो यहाँ पे बैठो। चलो त्रिशा चलो चलो चलो, घर आ गया घर आ गया। चलो यहाँ भी पूजा पाठ हो गया गाइस और फिलहाल तो बज रहे 11:30 और मैं यही खाना खा रही हूँ, भिंडी की सब्जी और रोटी। और त्रिशा पढ़ाई कर रही है। खाना पीना हो गया गाइस और यहाँ देखो रुद्री दिखा रहा है सरकत। क्या बोला तूने? कसरत। चुप हो जा सातवीं फेर। क्या खा के आ रहे हो तुम?
बहुत तेज हो रहे हो। मुझे पता है तुम कुछ खा के आ रहे हो बाहर से, मेहंदू वड़ा। नहीं, ये लड़का मेहंदू वड़ा खा के आ रहा है, मुझे सपने में आया अभी। कुछ भी ये लड़का खाने के टाइम पे गाइस बाहर का खाता है और बाहर के टाइम पे घर का खाता है, मतलब सारा इसके काम उल्टे है। बड़ा हरामी हो बेटा। रुद्री को देखो ये क्या कर रहा है, कसरत कर रहा है, मतलब सर्कस दिखा रहा है। रुद्री अरे अरे गिर जाएगा। अरे बाप रे, देख रही हूं सोफे पे खड़ा है। इधर दिखाओ त्रिजा क्या की हो, इधर दिखाओ। बिना नहाए धोए ये लड़की पूरी तरह से रेडी हो गई है। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। तो किधर जाओगी? लिपस्टिक काजल टिप टॉप सारा चीज लगा के रेडी हुई है, वीडियो बनाओगी क्या? दोनों नौजवान शेर लोग आ गए हैं, एक तो रेडी भी हो गई है स्कूल जाने के लिए। अच्छा तू भी रेडी है? तनु तनिष्का दोनों लोग रेडी हो गए हैं गाइस, और अभी 5 मिनट हुआ नहीं इन लोगों को आके, और आरती फटाफट रेडी भी हो गई क्योंकि इन लोगों का 12 बजे का स्कूल है। खाते खाते इसके अंदर का एक्टिंग जागृत हो गया है, देखो पागल औरत। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि हम सारे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, रुद्री चेयर पे बैठे हैं, त्रिशा वहाँ, मम्मी यहाँ, दीदी वहाँ, सब लोग ऐसे ही बाहर बैठे हैं। सर्दी आएगा तो किसको आएगा? नानी ले ली बेटा, नानी पकड़ ली, पकड़ लो पानी को, धीरे धीरे नहाने का प्लान कर लेगा। ए रुद्री इधर आओ, चलो पूरी फैमिली एक साथ मिलके हम लोग ना इस टाइम देख रहे हैं खेसारी लाल की नई मूवी आई है, कोई बहुत अच्छी है, विशाल फैमिली मूवी है, तो मम्मी शाल और मैं, हम तीनों लोग देख रहे हैं। मूवी बहुत अच्छी थी गाइस, और मूवी का नाम फरिश्ता था, मुझे नहीं पता था, मैं जस्ट ख़त्म हुआ ना तो मुझे पता चला कि मूवी का नाम फरिश्ता है। तो गाइस सारा काम हो गया है और अब मैं चली दीदी के घर पर क्योंकि यहाँ बोर हो रहा है, तो सारे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, इसलिए चलिए मैं दीदी के रूम पे। क्या मम्मी का ऑर्डर आया धनिया लेके आना। और आज मैं रेडी इसलिए हुई थी ना क्योंकि मुझे रील्स बनाना था, हर रोज़ मैं वैसे ही रील्स डाल देती थी, तो इसके लिए आज रेडी होके तब मैंने रील्स बनाया। रेडी कुछ नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाया है और काजल लगाया क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो कुछ भी फेस पे लगाने के लिए मना किया है क्योंकि ये एक पिंपल हुआ है उसके लिए, तो उस पर मेडिसिन लगेगी तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो गाइस मैं दीदी के घर पे पहुंच गई और तनिष्का दिख रही मुझे सामने। सच में मौसी आई? तो गाइस इस समय मौसी बना रही है भुजिया, भजिया बना रही है, कांदे का भुजिया मतलब पकौड़ी, और सारी तैयारी हो गई है। साइड साइड में ऐसे मैं लगा देती हूँ और फिर ऐसे छानती हूँ ताकि ना आसानी हो, फटाफट फटाफट में ना इसमें डाल दो। ये है मेरी नींद जाता है केक। भजिया चटनी तो रेडी हो गई, चलो फैमिली बैठ के मस्त बातचीत कर रहे हैं। बाय बोल दो, बाय बोलो, बाय। 50 रुपए सबको। अब होगी पानी पूरी पार्टी है ना, मैं भी खाऊंगी। आप भी खाओगी? आज हम लोग काफी अमीर हो गए गाइस। बात तो सही है। आपके पास 5050, इसके अंदर 5050 है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इससे ले सकते हो, छीन सकते हो। मैं जा रही हूँ, देखो बाहर आ रहा है। ये दीदी पकड़ो यार, तनु तनु बाबू को पकड़। नहीं मम्मी पकड़ो यार, तुझसे नहीं संभाला जाता इतना छोटा बच्चा, बाबू को लेके जाओ। अरे हो रहा है देखो, बाय टुनी।
सामने इतने सारे शेरू बैठे हैं, अगर अटैक करेंगे तो मैं चले जाऊंगी सीधा। मैं तो डरते डरते घर तक पहुंच गई। इतने सारे डॉगी थे उधर ना, ऊपर से किसी ने उसमें उस मतलब डॉगी को ऊपर ना बॉटल उठा के फेंक दिया, और पीछे से मैं सीधा डर गई। इतने जोर जोर का लोग भूखने लगे, मैं सीधा गुपचुप भाग के चली आई इधर। और मम्मी तैयारी कर रही है खाना बनाने के लिए, मैं फटाफट चली हूँ खाना बनाने। और टाइम की मैं बात करूँ तो 8:10 बाकी है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना, मैं मीठे रस से बड़ी ओड़ी राधा रानी लागी, महारानी लागी, मारो खारो खारो यमुना जी पानी लागी। ये रहा विशाल का खाना और ये रहा मेरा खाना पीना हो गया गाइस। और आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल का सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।